नमस्कार, स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं करेले की मसालेदार सब्जी, जो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। जो लोग नहीं खाते होंगे वो भी लोग खाने लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए, हमने करेला लिया हुआ है, इसको हमने धुल करके साफ़ कर लिया है और इसको देखिए अब काट लेंगे। तो इसको बहुत मोटा नहीं काटेंगे, देखिए इस तरह जिस तरह से हम काट रहे हैं उतना ही मोटा काटना है। ज़्यादा मोटा काटने से जो करेले हैं अच्छे से पकेंगे नहीं और अच्छे नहीं लगेंगे। इतने जितना हम देखिए इस तरह से जो अंदर का बीज है हम निकाल लेंगे। और इस तरह से जितने भी करेले हैं काट करके इसको मैं अंदर का बीज निकाल लूँगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी लगी, बच्चे भी इसको खाना पसंद करेंगे। देखिए इस तरह से सभी करेले के जो बीज हैं निकालेंगे हम। बहुत लोगों को करेले पसंद नहीं आते हैं, तो जिन लोगों को पसंद नहीं आते हैं वो लोग भी खा के देख सकते हैं और मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि उन लोगों को भी पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आएगा ये सब्ज़ी और बिल्कुल कड़वी नहीं लगती है। तो देखिए इसी तरह से हम सभी करेलों को काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सभी करेलों को हमने काट लिया है और इसको अच्छे से इसके जो बीज निकाल लिया है। अब इसके बाद चलते हैं, इनको हम नमक और हल्दी के पानी में इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने से ये होगा जो करेले हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और उसका कड़वापन भी बहुत कम हो जाएगा। तो देखिए हम जो करेले हैं इसमें हम डाल देंगे और सभी करेलों को डाल करके इसको हम ढक देंगे। और ढकने के बाद इसको इतना उबालना है कि जिससे जो करेले हैं अच्छे से पक जाएं। अब इसके बाद चलते हैं, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो देखिए हमने लिया है प्याज और लहसुन और साथ में डाल दिए हैं 2 लाल मिर्चा और टमाटर है, एक तो बड़ा टमाटर हमने काट लिया है और इसको हम पीस लेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं जो करेले हैं हमारे पक चुके हैं कि नहीं। तो इसको पकाने में लगभग 5 मिनट लगा है, तो देखिए हमको लग रहा है पक गया है। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, देखिए ये अच्छे से पक गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। उबालने से इसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं रहता है। तो इस तरह से अगर सूखी सब्जी बनाना चाहें आप लोग तो सूखी सब्जी बना सकते हैं इसको। अब देखिए हमने इसको निकाल लिया है। इसके बाद अब हम चलते हैं जो करेला है उसको थोड़ा फ्राई करेंगे। तो देखिए हमने तेल डालकर गरम कर लिया है और जब अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम सारे करेले को डाल दिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे, तो लगभग 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे हम। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा। और देखिए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम करेले को निकाल ले रहे हैं। तो देखिए सभी करेले को निकालने के बाद अब इसी जो तेल है, जो बचा हुआ तेल है, इसी तेल में हम मसाले को फ्राई करेंगे। तो देखिए हमने एक तेज पत्ता और साथ में धनिया को कूट करके डाल दिया है। तो साबुत धनिया था उसको मैंने कूट लिया, उसको डाल दिया है और इसके साथ तुरंत हमने प्याज भी डाल दिया है और इनको अब हम भूनेंगे। और देखिए एक मैंने हरा मिर्चा भी डाल देंगे। जितना तीखा खाना है आप लोगों को उतना मतलब तीखा बना सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम भूनने के बाद थोड़ा सा डाल देंगे नमक, जिससे जो हमारे प्याज हैं जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो अब देखिए नमक डाल करके इसको हम चला लेंगे और चलाने के बाद इसको थोड़ा हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। अब देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और फिर इनको हम चला लेंगे।
देखिए जो प्याज हमारे हैं सॉफ्ट हो चुके हैं, और इसी के साथ हम जो मसाले को पीस करके रखे हैं उसको भी पकाएंगे, साथ में दोनों को भूनेंगे। इसीलिए जो प्याज है हम उसको ब्राउन नहीं करेंगे और तुरंत ही मसाले डाल देंगे। तो देखिए जो मैंने पीसे हुए मसाले थे डाल दिए हैं, और इनको हम चला करके भूनेंगे, तो जिससे इसका जो कच्चापन है निकल जाए। इसको लगातार चला करके भूनना है और अच्छे से भूनना है, जिससे जो तेल है निकल जाए, जो मतलब तेल जो है वो साइड साइड से निकलने लगेगा, तो समझ लीजिएगा ये जो हमारा मसाला है अच्छे से भून गया है। तो इसको ढक ढक करके इसको हम पकाएंगे, और इससे जो ढकने से होता है मसाले हमारे जल्दी से पक जाते हैं। और देखिए इसके बाद अच्छे से मैं भून ली हूँ, उसके बाद देखिए मैंने मसाले डाल दिए हैं। तो ये छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, और साथ में डाल दिए हैं ये सब्जी मसाला है, और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे ये अमचूर पाउडर और साथ में काश्मीरी लाल मिर्च। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को डालना है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद अमचूर पाउडर तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, और जो करेले का जो कड़वापन है इससे नहीं रहेगा। तो देखिए हमने ढक करके भी 2 मिनट इसको छोड़ दिया था, जिससे मसाले हमारे और अच्छे से पक जाएं। और इसके बाद देखिए हमारे मसाले हमने अच्छे से भून लिए हैं, और ये देखिए तेल भी साइड साइड से निकलने लगा है। अब इसी बस इसमें डाल देंगे पानी। तो देखिए हमने पानी डाल दिया है, और इसमें हमको पानी कम लग रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सूखा बनाना है तो पानी मत डालिए, इतना ही पानी काफ़ी है, लेकिन हमको थोड़ा सा ग्रेवी रखना है तो पानी थोड़ा सा और हम इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से पानी हमने डाल दिया है, और पानी डालने के बाद फ्रेंड्स अभी हमने गरम मसाला इसमें नहीं डाला है, थोड़ा सा उसको भी डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसको हम चला लेंगे, और चलाने के बाद अब जो हमने करेले हैं तो इसमें डाल देना है करेले को, और करेले को डालने के बाद अब इसको मसालों के साथ हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, और इसको अच्छे से पकने देंगे मसालों के साथ। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है कि नहीं। तो देखिए एकदम हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा और लाल जो सब्ज़ी लाल दिखे तो आप लोग थोड़ा सा जो कश्मीरी लाल मिर्च होता है उसको और डाल दीजिए। तो देखिए हमारी जो सब्ज़ी है बन के अच्छे से तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे इस सब्ज़ी को। तो हमारी वीडियो पे जो लोग भी आए हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।